निशा रसोई की आज की रेसिपी है चिकन केप्सा राइस। ये मैंने 3 चिकन के लेग पीस ले ली हूँ, देख सकते हैं आप, और 3 माप भर कर मैंने बासमती चावल ले ली हूँ। इसको 1 घंटा मैंने भिगो ली हूँ। अदरक लहसुन का पेस्ट है, चिकन मसाला है, दही है, चाट मसाला है, भुना हुआ ज़ीरा है का पाउडर है, लाल फूड कलर है, हल्दी पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, धनिया पाउडर है, मिर्ची पाउडर है, नमक है, और ये लेमन का जूस है, और ये दही है। अब चिकन में मैं 2 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दूँगी। 1 लेमन का जूस मैं फैलाते हुए डाल दूँगी। सारे सूखे मसाले मैं चिकन में ऐड कर दूँगी। चिकन तंदूरी मसाला मैं पूरा ऐड कर दूंगी। दही का भी पूरा कप ले लूंगी मैं, इसको भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। दही को भी मैं ऐड कर दी हूँ, और 2 बड़े चम्मच भर के मैं ऑयल ऐड कर दूंगी। सारे मसाले मैं चिकन में अच्छी तरीके से लगा दूंगी। चिकन में मैं सारे मसाले लगा चुकी हूँ, और मैं चिकन को 2 घंटे के लिए रेस्ट पर छोड़ दूँगी। चावल बॉईल करने के लिए मैंने पानी रख दी हूँ। अब मैं नमक ऐड कर दूँगी। साढ़े 3 चम्मच भरकर मैंने ये चम्मच से मैंने नमक ऐड कर दी हूँ। 2 ढक्कन भर के मैं विनेगर ऐड कर दूँगी। तीन चम्मच भर के मैं ऑयल डाल दूंगी, और चावल को मैं अच्छे से पकाकर निथार लूँगी। चावल को मैंने ऐड कर दी हूँ। अब चावल थोड़ी देर पकेंगे, फिर इसके बाद मैं चावल को निथार लूँगी। 1 चम्मच भर के मैंने ऑयल गरम कर ली हूँ। अब चिकन की 1-1 पीस ऐड कर दूंगी मैं, और अच्छे से मैं चिकन को पका लूँगी। चिकन को मैं अच्छे से मिलाकर पका लूँगी। थोड़ा बॉयल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप कि चावल कितने अच्छे से बॉयल हो गए। अब मैं इसको ठंडे के लिए रखती हूँ। चिकन इतना हो चुका है, अब मैं चिकन को भून लूँगी। चिकन को मैं अच्छे से भून लूँगी, और एक तंदूरी टेस्ट कर लूँगी। 2 अंडे मैं फोड़ चुकी हूँ, और इतना मैं हल्का नमक डाल दूँगी, और अंडे को मैं फ्राई कर लूँगी। तवा गरम है, ऑयल गरम हो चुका है। अब अंडे को मैं फ्राई करके निकाल दूँगी इस तरीके से। चावल को मैंने बॉईल करके अच्छे से निथार कर रख दी हूँ ठंडे के लिए, और मैंने चिकन को पकाकर भून ली हूँ। और यह है अदरक, इसको मैंने चॉप करके रखी हूँ, और लहसुन, इसको भी मैंने चॉप करके रखी हूँ। यह हरी प्याज है, इसको कट करके रखी हूँ। ये टमाटर केचप है, ये ग्रीन सॉस है, ये ब्लैक सॉस है, ये रेड सॉस है, ये विनेगर है, ये सेजवान चटनी है, इसको मैंने घर में ही बनाई हूँ। 2 प्याज को मैंने कट कर ली हूँ चॉप करके, 2 शिमला मिर्ची है, काली मिर्च पाउडर है, 2 अंडे को मैंने फ्राई करके ले ली हूँ, ये बटर है। 1 चम्मच भर के मैंने ऑयल गरम कर ली हूँ, और इसमें मैं लहसुन को ऐड कर दूँगी, और आधा मैं चावल में डालूंगी, अदरक को भी ऐड कर दूंगी। इसको मैं ऑयल में थोड़ा पका लूंगी। 2 बड़े कांदे हैं, इसको भी मैं अदरक लहसुन के साथ ऐड कर दूंगी, इसको भी मैं ऑयल में पका लूंगी। सॉसों को मैं एक साथ मिला लूंगी, और आधा मैं ग्रेवी में ऐड कर दूंगी, और आधा मैं चावल में ले लूँगी। ब्लैक सॉस, सेजवान चटनी, सबको मैं अच्छे से मिला लूँ। प्याज और लहसुन इतना हो चुका है, जो चिकन को मैंने मसाले लगा कर रखी थी वो मसाले इतने बच चुके हैं। अब मैं ये प्याज में ऐड कर दूँगी। चिकन का मसाला मैंने ऐड कर दी हूँ। अब मैं सॉसों को ऐड कर दूंगी,
आधा सॉस मैं चावल के लिए रखूंगी, आधा सॉस मैं ग्रेवी में मिला दूंगी। अच्छे से मैं सॉस को मिला दूंगी। सॉस में भी हमारे नमक है, इसलिए मैं नमक आधा चम्मच ही ऐड करूंगी देखकर। अब मसालों में मैं चिकन को ऐड कर दूंगी। चिकन को मैंने मसालों में ऐड कर दी हूँ। अब मैं इसमें काली मिर्च पाउडर ऐड कर दूंगी और इसको भी मैं मिला लूंगी और पका लूँगी। अब चिकन में मैं शिमला मिर्च को ऐड कर दूंगी, हरी प्याज को भी मैं ऐड कर दूंगी, अच्छे से मैं मिला लूंगी। ढाई चम्मच भर के मैंने ऑयल ले ली हूँ। अब इसमें मैं थोड़ा बटर ऐड कर दूंगी। अब अदरक और लहसुन, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। अदरक लहसुन को मैं ऑयल और बटर में भून लूंगी। अदरक लहसुन को मैं भून चुकी हूँ। अब मैं सॉसों को भी ऐड कर दूंगी और अच्छे से मिला लूंगी। सॉस को भी मैं अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं चावल को ऐड कर दूंगी, सारे चावल मैं ऐड कर दूंगी। अब चावल को मैंने ऐड कर दी हूँ। अब इसके साथ मैं काली मिर्च पाउडर, दरदरा पिसा हुआ शिमला मिर्च, इसको भी ऐड कर दूंगी मैं। हरी प्याज, इसको भी मैं ऐड कर दूंगी। और अंडा जो मैंने फ्राई करके रखी थी, इसको भी ऐड कर दूंगी अच्छे से। अब सारों को मैं हरी प्याज, अंडा, शिमला मिर्ची, इसको भी मैं अच्छे से मिला लूँगी। अब ग्रेवी में मैं एक कोयला जलाकर ऐड कर दूंगी और इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी। ऑयल डालो, बटर डालो, जो भी डालो, और इसको एक घुमा दूंगी। केप्सा के राइस रेडी हो चुके हैं। अब इसमें एक कोयला जलाकर मैं वो भी धुआं दे दूंगी ताकि केप्से में अच्छा सा एक फ्लेवर आ जाए धुएं वाला। इसको ढक दूंगी मैं। राइस रेडी हो चुके हैं, सब रेडी हो चुका है ग्रेवी। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब चावल में मैं ग्रेवी ऐड कर दूंगी। चिकन केप्सा राइस रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप ये कितना बढ़िया बन चुका है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करो। रमज़ान के महीने में केप्सा बना के ज़रूर खाना।